एजुकेशनल आर्य समझ के पढ़ने का। बहुत हुआ, अब ग्रेविटी से पंगा है, तो इस सीरीज में बने रहिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल आरबीएस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ग्रेविटेशन का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम छोटे से छोटे इंट्रोडक्शन से लेके थोड़ा सा बड़ा एनएलजी यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ओके। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और फिर जैसा होगा वैसा देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो शुरुआत यहाँ से होता है कि भाई आपने देखा है कि हमारा जो स्पेस है, स्पेस के अंदर हमारा अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है। आपने देखा नहीं है पर पढ़ा होगा, नॉर्मल है भाई। हमारा अर्थ सन के अराउंड यूं रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन करता है। वो जो मोशन होता है वो किसके कारण होता है? मोशन कभी भी विदाउट फोर्स के नहीं होता, आपको पता है। और सर्कुलर मोशन के लिए कोई मोशन चाहिए हमें प्रोवाइड करने के लिए, सेंट्रिपिटल फोर्स, पता है ना, बैंकिंग वाला वीडियो आपने देख रखा है उसमें आपको पता है ना। तो उधर जो सेंट्रिपिटल प्रोवाइड कराता है वो वाला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशन फोर्स, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी जो हिस्ट्री है वो लोग आप सुनते आए होंगे कईयों बार। पहले अर्थ को सेंटर माना जाता था पूरा यूनिवर्स का, फिर उसके बाद माना गया सन को सेंटर पूरे यूनिवर्स का, फिर माना गया कि सन भी एक गैलेक्सी के सेंटर, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर के अराउंड रोटेट करता है। फिर माना गया कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी यूनिवर्स के अराउंड, मतलब कि अभी तक ये फिक्स नहीं है कि कौन सेंटर है, बट हम इतना कह सकते हैं कि हाँ, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सन है। सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, ये हमारा फिक्स्ड है, ये हमने देख रखा है कई सारे टेलीस्कोप्स से, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं यहां से कि जो मोशन, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बारे में आपने सुना होगा कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरता है और वो कह देते हैं कि ऊपर से एप्पल गिरा, मतलब इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। वो चीज सब बकवास है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हो भाई, गैलीलियो ने कहा था कि भाई वो बीच का जो हमारा अर्थ है सेंटर वो नहीं है, अब वो सन सेंटर, मतलब आप समझ सकते हो बहुत पहले से इस चीज पर रिसर्च चल रही थी, बट फिर भी लास्ट में आ गया मैंने न्यूटन जी को इसके लिए सफलता मिली, ठीक है। तो ये तो था भाई न्यूटन का पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूटन कहते थे कि एक फोर्स है, ठीक है। और एक और हमारे साइंटिस्ट हुए आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुना होगा आपने। उनने कहा ग्रेविटेशन एक फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन एक पावर है टाइम पीरियड को, टाइम बेंड को झुकाने की। आपने उनकी थ्योरी तो सुन, थ्योरी के नाम बारे में सुना तो होगा ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल एम सी स्क्वायर। उसके बेसिस पे वो इस चीज को प्रूफ भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे प्लैनेट्स कुछ इस तरीके के, ये सन है, ये अर्थ है, ये हमारा मार्स है, ये मर्क्यूरी, तो इधर एक टाइम कर्वेचर चलता है। आपको पता है ना, हमारे आइंस्टीन जी बहुत कुछ टाइम के बारे में कह के गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बंदा टाइम ट्रेवल करना चाहता है तो वो लाइट की स्पीड से तेज दौड़े, लाइट की स्पीड 3×10^8 से तेज दौड़े, ये आइंस्टीन ने कहा था। उन्होंने कहा कि इस कर्वेचर को जो प्लेनेट जितना झुका देगा, उसका उतना ही ग्रेविटी होगा, ये कहा था हमारे आइंस्टीन ने, ठीक है। बट अभी तक इसके बारे में हम कोई एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि पक्की बात है, ठीक है, इसे हम पक्की बात नहीं कहते। फिर भी हम पढ़ते इसी का लॉ है, मतलब कि न्यूटन तक की ग्रेविटी हमको पढ़नी है। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, केमिस्ट्री जो है, आपने केमिस्ट्री पहले बोहर तक की पढ़ी थी, फिर अब स्क्रोडिंगर की ग्रेविस्ट्री केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो। सो स्क्रोडिंगर की केमिस्ट्री में आके कितने सारे चेंजेस आए आप मेजर कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ आइंस्टीन के बारे में, अभी पक्की बात नहीं है ये हम कह सकते हैं, आइंस्टीन की ये बात पक्की नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो न्यूटन ने कहा, ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन क्या होता है ना। अभी मैं बात करता हूं न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो है, ये है एनएलजी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे,
तीन लॉ दिए थे, कौन कौन से? मोशन के तीन लॉ दिए थे भाई, मोशन के। आपको याद होगा पहला लॉ क्या था, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगेगा तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। दूसरा लॉ क्या था, फोर्स जो होता है वो मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तीसरा लॉ क्या था, एक्शन इक्वल रिएक्शन, है ना। ये तीन लॉस थे न्यूटन के, जो कि आपने अच्छे से पढ़े होंगे। एनएलजी आज हम पढ़ने वाले हैं, एनएलएम वाले चैप्टर में आपने ये सब पढ़ा था, उसके भी वीडियोस पढ़े हैं। अगर आप वहां पर अभी स्टैंड कर रहे हैं तो उन वीडियोस को देख सकते हो, चार पांच वीडियो हैं उस चैप्टर के बस। ओके, तो चलो चालू करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये तीन लॉस देने के बाद उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं, याद रखना ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। तो उन्होंने 1967 में कहा था, 1967 में उन्होंने एक लॉ दिया जिसमें वो कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स, विद अ फोर्स। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, यही फोर्स ग्रेविटेशन होता है। ये फोर्स किसी भी चार्जेस के बीच में नहीं लगता, मेन बात क्या है, ये फोर्सेस किसी भी चार्जेस के बीच में नहीं लगता, वरना इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अगर ये चार्जेस के बीच में लगता, यहां पर ऐसा तो नहीं कि भाई ये जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ नहीं है। ये बॉडी चाहे कैसी भी चार्ज हो या फिर चार्ज हो ही ना, न्यूट्रल हो, फिर भी इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी आप बात करोगे कि हम क्वांटम चीज में पहुंच जाएं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में, तो उनके अंदर ग्रेविटेशन क्यों नहीं लगता, उनके अंदर ग्रेविटेशन लगता है पर लगता बहुत कम है। चलो क्वांटम भी छोड़ो, आप यही समझ लो कि मैं खड़ा हूं, मेरे बगल में कोई और खड़ा है, तो हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशन क्यों नहीं लगता, हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशन क्यों नहीं लगता, उसका भी रीजन है, उसका भी रीजन है भाई। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को समझ लो कि इन्होंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ठीक है, कुछ एक फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, उसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। तो इन्होंने और कहा कि जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस, वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोपोर्शनल होता है, मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और वो उन दोनों फोर्सेस के डिस्टेंस, वो उन दोनों फोर्सेस के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और मासेस के सीधा प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कॉन्स्टेंट लगेगा, तो भाई कॉन्स्टेंट गल लगाएंगे हम बाद में आएंगे जब। तो देखो फोर्स इज इक्वल जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हाँ यहां पर ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ये बात याद रखना, मैं आर ही लग गया उधर, 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है ये, क्या आता है, फोर्स इज इक्वल, क्या आता है, फोर्स इज इक्वल जी जी डिवाइड जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बात आपने पहले भी पढ़ी है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, नाइन्थ में आप पढ़ के आए हो इस चीज को, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे कुछ इसके बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ चीजें और देखेंगे। तो भाई ये जो न्यूटन ने ये जो लॉ दिया था, इधर एक थोड़ा सा चेंज है कि इन्होंने 1967 की बजाय 1987 में दिया था। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिर भी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी चालू करते हैं हम, तो अभी हम चालू करेंगे कुछ क्वेश्चंस करना। ओके, सो आई विल इरेज इट। ओके, तो आपको एनर्जी पता चल गया, न्यूटन का लॉ पता चल गया, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, जी एम एम, एम वन एम टू भी कह सकते हो आप, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कोई नया नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा है, और जी की वैल्यू आप पहले से जानते हो, जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻¹¹। यही होती है ना जी की वैल्यू, जी की वैल्यू इसी को तो कहते हैं। और ये जो जी है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल, आपको पता होगा इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कॉन्स्टेंट। सो अभी बताओ कि ये जो जी है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है या फिर नॉन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो जी है आप देख सकते हो, ये वाला ये जो जी है 6.67 × 10⁻¹¹, ये डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट है या फिर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट है। तो आपने सही कहा, बिल्कुल ये डायमेंशनल कॉन्स्टेंट है। इसकी जो यूनिट है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ओके, सो ये होती है इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। तो अभी मैं सबको इरेज कर दूं, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हो गया। अभी हम बात करेंगे बढ़िया से, कुछ बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिक्स के बारे में, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। इनडायरेक्टली डायरेक्टली सीधा बात बोलूं तो शुरुआत करते हैं ओके, हलवे से क्वेश्चन से। हलवा सा क्वेश्चन ये है कि आपके और मेरे बीच में, यानी कि मेरे बगल में कोई बंदा खड़ा है, मान लो ये मैं खड़ा हूं, ये मेरे बगल में कोई बंदा बी खड़ा है, ये मैं हूं ए, ये मेरे बगल में कोई बंदा बी है, मान लो डिस्टेंस है हम दोनों की 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस सफिशियंट है, ठीक है ना। मेरा वेट मान लो 50 kg है, सामने वाले आदमी का वेट 40 kg 40 kg, मेरा वेट 50 है उसका 40 है, मेरा वेट 50 उसका 40, डिस्टेंस 1 मीटर, पता करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा। जी हाँ, तो आप फाइंड कैसे करोगे, सीधा सीधा हलवा सा सवाल है ये। जी कितना होता भाई, 6.67 × 10⁻¹¹, इधर मल्टीप्लिकेशन में डालोगे 50, 40, डिवाइड में डालोगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ही आ जाएगा 6.67 × 10⁻¹¹ इंटू 50 45 42, ओके 5 4 20, और यहां पर लग गया 2000। ओके, सो भाई ये हो जाएगा 7 × 14 एंड 6 × 12 एंड 113, ये 6 × 12 113। ओके, सो यहां पर ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में -11, ये कितना है 3 × 10⁻³, यहां पर आ गया 13.34 × 10⁻¹¹ के 11 में से 3 गए तो कितने बचे भाई, 3 गए तो कितने बचे हैं, 3 गए तो कितने बचे 8 3 11, तो यहां पर बचा -8। तो आप बताओ कि फोर्स सफिशियंट है हम दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या ये फोर्स सफिशियंट हो रहा है हम दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपका आंसर होगा रॉन्ग, इतना फोर्स सफिशियंट नहीं है मुझको उसको अट्रैक्ट करने के लिए, मास बहुत होना चाहिए, मास बहुत होना चाहिए और डिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, बताया नहीं था भाई उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मतलब समझ सकते ना, डिस्टेंस कम होना चाहिए, मास डबल होना, मास ज्यादा होना चाहिए। तो हम तो छोटे छोटे से बॉडी हैं, 50-50 किलो के, 60-60 किलो के, 100-100 किलो के, हमारे अंदर कौन सा ग्रेविटेशन काम कर जाएगा, हमारे अंदर ये काम नहीं करेगा, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के अंदर काम करेगा। ठीक है, या फिर एक तरफ हम रहें दूसरी तरफ बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए। अच्छा, तो बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे हमारे पास अर्थ ही है बड़ा ऑब्जेक्ट, उससे बड़ा कोई नहीं हमारी नजर में, पर उससे बड़े भी बहुत सारी चीजें हैं हमारी नजर में। दूसरा अर्थ है तो अर्थ मुझे अट्रैक्ट करेगा, है ना, अर्थ अट्रैक्ट करेगा और अर्थ से मेरी दूरी वगैरह वगैरह वो सब चीज होंगी। अर्थ मुझे अट्रैक्ट किससे करेगा जब मैं सरफेस पर हूं, सवाल सुनो। दूसरा क्वेश्चन, अर्थ मुझे अट्रैक्ट किससे करेगा जब मैं उसके सरफेस पर हूं, जब मैं उसके सरफेस पर हूं तो अर्थ मुझे अट्रैक्ट किससे करेगा, क्वेश्चन है ये। अर्थ मुझे अट्रैक्ट करेगा वो जो फोर्स है वो कितना है, ठीक है, वो जो फोर्स है वो कितना है वो बताना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके सरफेस पर हूं मैं, रेडियस का डिस्टेंस होगा उसके मेरे बीच में। अर्थ इज अ स्फीयर, अर्थ इज नॉट लाइक अ डिस्क, अर्थ इज अ स्फीयर,
मतलब समझ सकते हो कि अगर मैं उसके सरफेस पर खड़ा हूँ, जो कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो उसके नीचे उसके कोर से लेके एक रेडियस मुझ पर एक्ट करेगा, वो होगा उसके और मेरे सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। समझे? तो सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस, भाई अगर मैं बात करूं उसके सरफेस से, तो मैं थोड़ा सा ऊपर हूं, क्योंकि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है मेरे बीच में होगा ना, उसके सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, पर उसके रेडियस के टर्म्स में मेरा सेंटर ऑफ मास वाली जितनी डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, वो कुछ है ही नहीं उसके रेडियस के रूप में। तो चलो ये बात तो वो रही, ठीक है। तो अगर सरफेस पर हम खड़े हैं अर्थ के, तो हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है, यू नो mg। mg क्या होता है भाई? वेट होता है, वेट होता है, राइट? mg वेट होता है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला पूरा वीडियो इस पर है, फुली डिटेल्ड जी, वेरिएशन वगैरह इसके अंदर पूरा सब कुछ है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमेशा जी जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। जी हमेशा वेरी भी करता है, जी वेरी भी करता है, जी इज नॉट अ कॉन्स्टेंट एट ऑल। ओके, जी हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। शिंग 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 शिंग। सो ये बात तो आपको क्लियर रही कि एम जी बराबर वेट होता है, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो वेट लगेगा भाई, मैंने अपना वेट अभी कितना बताया, 50 kg बताया था ना अपना वेट, 50 kg। तो 50 × 10 ये कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा 500। तो 500 न्यूटन का वेट लगेगा, सही बात है, 500 न्यूटन का वेट लगेगा। अगर ग्रेविटी के बारे में बात करें तो ये बहुत छोटा वेट है, ये भी हम कह सकते हैं, फिर भी भाई ठीक है, 500 न्यूटन का वेट लगेगा, 500 न्यूटन से मुझे अर्थ खींचेगा। मतलब सोच सकते हो, कभी सुना ना एस्टेरॉयड अपने यहां पर आता है तो उसमें आग लग जाती है पीछे, उसका रीजन भी यही है, अर्थ उसे अट्रैक्ट करता है। भाई एस्टेरॉयड कम से कम 1000 किलो का तो होगा, एक एस्टेरॉयड कम से कम 1000 किलो का तो होगा, उस 1000 किलो के एस्टेरॉयड में ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर जाए, है ना, 1000 किलो के पीछे इंटू में 10 लग जाए, तो कितना बड़ा फोर्स लगेगा उसके ऊपर, और वही फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच के लाएगा, जिसके कारण उसके पीछे एक टेल जैसी वो दिखती है हमें, आग, फायर। ओके, तो ये तो कुछ हलवे हलवे से सवाल थे। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं डिस्टेंस फैक्टर के ऊपर। ओके, डिस्टेंस फैक्टर के ऊपर एक तरफ है भाई मेरे पास, एक तरफ है मेरे पास हमारा अर्थ, प्लेनेट है, प्लेनेट्स के ऊपर यहां ये क्वेश्चन, एक तरफ है मेरे पास अर्थ, दूसरी तरफ है भाई मेरे पास, बोलो मेरे पास दूसरी तरफ कौन सा है प्लेनेट, दूसरी तरफ प्लेनेट है केपलर, केपलर 23b, ठीक है। दूसरी तरफ मेरे पास जो प्लेनेट है वो है केपलर 23b, अर्थ के जैसा दिखता है, नाम सुना होगा इसका, नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, केपलर 23b। इसके और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 600 light years। 600 light year इज अ वेरी वेरी मच डिस्टेंस, है ना, 600 light year बहुत बड़ी डिस्टेंस है। 600 light year मतलब कि लाइट को अपनी स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से आने पर 600 साल लग जाएंगे, इतना तो हमारा टाइम पीरियड भी नहीं होता, तो इसीलिए हम इधर जा नहीं सकते अगर अर्थ खराब होता है तो। ओके, तो यहां पर इसके बीच में ये डिस्टेंस है 600, और एक लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, यू कैन से व्हाट इज 1 light year इज इक्वल टू 9.461 × 10⁻¹⁵. 10⁻¹⁵, ओके, 10⁻¹⁵, ये इतना बड़ा डिस्टेंस है। अब खुद ही सोचो इतना बड़ा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो इनका जो फोर्स होगा वो नेगलेक्ट होगा नहीं होगा, फोर्स इज नेगलेक्ट और नॉट, या फोर्स इज नेगलेक्ट होगा इनके बीच में, मतलब इनके बीच में कोई इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा जो कि हम कह भी सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप इस तरीके से ये कह सकते हो भाई क्वांटम फील्ड में, है ना,
क्वांटम फील्ड में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, चलो किसी का भी हो, मुझे क्या करना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो बहुत कम होगी तो इनके बीच में तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होना चाहिए, है ना, यही तो कहोगे तुम, गलत है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का यार मास भी तो देखो, मास भी तो इतना सा है ना, इतना सा मास भी तो कम है। चलो तो अभी क्वांटिसिटी से बाहर निकलते हैं, तो ऐसे जितने भी आपने क्वेश्चन देखे वो आपका बेसिक नॉलेज के लिए है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं। सो मे बी यहाँ पर ये वीडियो में मैंने 20 मिनट आपके खराब कर लिए हैं, तो अभी मैं बात करता क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के बनेंगे भाई, यहाँ पर मेरे पास एक मास है एम, यहाँ पर मेरे पास एक मास है एम, यहाँ पर मेरे पास एक मास है एम, ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, ओके। मुझे एक मास लेना है, एक मास लेना है, उसका ग्रेविटेशन फोर्स पता करना, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करो, ठीक है ना, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड करना है, कर लोगे फाइंड, दिक्कत नहीं। चलो मास मैंने ये वाला उठा लिया, ठीक है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ, एक इस तरफ, एक और बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है यार, दोनों मास के लिए एक फोर्स मिल गया। ये देखो एक मास ये है, एक मास ये है, आई हैव थ्री मार्कर्स तो इसलिए मैं यूज करता हूँ, मेरे पास ये रेड वाला ये जो है, ये है मेरे पास पाइवेटेड मास, इस पाइवेटेड मास को मैं इधर पाइवेट नहीं कर सकता, नीचे गिरेगा, यहाँ पर है मेरे पास एक मास, तो इसके और इसके बीच में जो अट्रैक्शन है, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन है, वो हमें लेना है कि ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, वो इसे अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को ही तो अट्रैक्ट करेंगे ना भाई, तो हम इस वाले का अट्रैक्शन ले रहे हैं, ये वाला इसे अट्रैक्ट कर रहा है, फिर इधर से हम देख रहे हैं इस और इसके बीच में, समझे, ठीक है, इसके और इसके बीच में भी बहुत अट्रैक्शन होगा, तो ये अट्रैक्शन, ठीक है। मान लिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, If it is an equilateral triangle and distance between the two masses are the distance between the two masses are a, हमें पता है कि फोर्स इनका नेगलेक्ट होगा, हमें पता है कि इनका फोर्स नेगलेक्ट होगा, ये दूसरी बात है कि हम तीन एक प्लेनेट के रूप में बात कर रहे हैं, पर हमें पता है कि इनका फोर्स नेगलेक्ट होगा, अगर हम जनरल वे में बात करें तीन पार्टिकल्स को रख के, तो हमें पता है इनका फोर्स नेगलेक्ट होगा, फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे अभी मैंने उधर उसका निकाला था, तो हम दोनों के बीच में रियलिटी में थोड़ी ना कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, हम दोनों बीच में आके चुपक थोड़ी रहे, है ना, कि मैं उसे घुमा रहा हूँ भाई यों को, है ना, वो चीज नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा सन होता है, सन अर्थ को अपनी तरफ रोटेट कैसे कर लेता है, अर्थ को अपनी तरफ रोटेट कैसे कर लेता है, ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा होगा वो सामने वाले ऑब्जेक्ट को रोटेट करा लेगा, अर्थ को रोटेट करा लेता है सन, और सेंटर जो है अपनी गैलेक्सी का वो सन को रोटेट करा लेता है। कई जगह कहा भी हुआ है कि अभी तक बहुत दूर आ चुका है हमारा अर्थ, हमारे इनिशियल पोजीशन से बहुत दूर आ चुका है अर्थ, हमारे इनिशियल पोजीशन से पूरा सोलर सिस्टम बहुत दूर तक खिसक चुका है, सही बात है। चलो फाड़ में जाने दो उन चीजों को, यहाँ पर देखो, इफ इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए, ये ए है, ये ए है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा भाई, फोर्स बताओ कितना होगा, जी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सही है ना, तो मैं इसे एक फोर्स मान लेता हूँ, तो ये हमारा फोर्स है, इधर भी यही लगेगा तो ये भी हमारा एक फोर्स है, तो मुझे फाइंड करना है एफ नेट नेट फोर्स, तो व्हाट इज द नेट फोर्स हियर, नेट फोर्स हियर इज एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, याद है ना,
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर होता है फोर्स, पता है ना। अच्छा यहाँ पर देखो cos 60, इन दोनों के बीच का एंगल का cos, cos 60 कितना आया, रूट टू एफ स्क्वेयर प्लस भाई इधर टू एफ डॉट एफ रखना भूल गए, है ना, टू एफ डॉट एफ रखा जाता है, नहीं रखा जाता, टू एफ डॉट एफ रखा जाएगा ना, ये दोनों के बीच का, दोनों वेक्टर्स का टू से मल्टीप्लिकेशन है, समझ गए, बस 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 टू एफ स्क्वेयर इधर रखो। cos 60 कितना होता है, cos 60 वन बाई टू, cos 60 इज वन बाई टू, या यू आर करेक्ट, cos 60 इज वन बाई टू से ए टू गया, यहाँ पर बचा भाई अंडर रूट थ्री एफ स्क्वेयर, तो एफ बाहर रूट थ्री आंसर। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हियर इज एफ रूट थ्री, एफ कितना है, जी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट। ऐसे तरीके के क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, एक नहीं बनेगा, बहुत बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार मेरे पास यही हो, ट्रायंगल हो, हर बार ट्रायंगल की शेप में होना भी जरूरी है, तुम्हारा होना भी जरूरी था पर तुम्हारे जैसा होना भी जरूरी। अभी देखो स्क्वेयर के रूप में फाइंड करेंगे, स्क्वेयर में, ओके स्क्वेयर में फाइंड करेंगे, तो स्क्वेयर में फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा बेसिक और हमारा क्लियर होगा, और मुझे अभी थोड़ा सा लैप लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको आवाज में अंतर दिख भी रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा लैप लेता हूँ, थोड़ा सा वाटर फटर पीता हूँ। चलो तो अभी फिर लौटते हैं, यहाँ पर हमारे पास फोर मासेस हैं, सभी मास एम के, हर बार जरूरी नहीं है कि मास एम ही, ये भी बात है, बाद में बात करेंगे उसकी। चल ठीक है, एक तरफ ये अट्रैक्शन, एक तरफ ये अट्रैक्शन, तीसरा यहाँ पर है, इसके साथ इसका भी अट्रैक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तो इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का ये डिस्टेंस हो गया, तो ये हो गया एक अट्रैक्शन भाई। अगर ये ए है, ये ए है जो कि हमें गिवन है, ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री, सो ये ए बाय रूट टू, राइट, सही बात है, नहीं ये ए है, ये ए है, है ना, ए, चलो 45 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट उड़ाओ, ये तो पता है ना, ये तो 90 डिग्री है, ये तो पता है तुम्हें, ये भी नहीं पता है ना 90 डिग्री, तो देखो यार इस तरफ कितना ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर, राइट, सो ए बाय रूट टू नहीं आना, क्योंकि इस डिग्री के बारे में हम पक्का नहीं कह सकते, इसीलिए मैंने वो वाला चीज नहीं करी, 90 डिग्री से तो हम पक्का कह सकते हैं ना, 90 डिग्री से तो हमें कोई कह दिक्कत नहीं कहने में, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए रूट टू, ए रूट टू ये डिस्टेंस है ए रूट, ठीक है, दिक्कत नहीं, एक स्क्वेयर है, ओके, सो ये ए रूट टू, सो दैट्स व्हाई इट इज ए रूट, ओके आई थिंक यू गेट इट, मैं सोचता हूं तुमने इसे पकड़ लिया। अभी देखो एक मास हमें लेना है, मास मैंने ये वाला लिया है, ठीक है, तो ए ए ए रूट टू, तो ए ए के लिए मैं एफ क्या लेता हूं, F का वैल्यू कितना होगा, G M M M स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर, सही है, ओके, A स्क्वायर F, इस तरफ F, इस तरफ F, इसके लिए मैं कितना लू, F रूट टू, यहां पर मैं इसके लिए कितना ले सकता हूं, F रूट टू, F रूट टू, F रूट टू लूंगा, एफ रूट टू लेना पड़ेगा क्या, यहां पर देखो एफ बराबर, इसके लिए एफ डैश ले लेता हूं, इसके लिए जो एफ डैश है वो है एम स्क्वायर जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए स्क्वायर, राइट, टू ए स्क्वायर, सो जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, तो एफ है, तो ये हो जाएगा एफ बाय टू, हुआ नहीं, हाँ हुआ, बेसिक मैथमेटिक्स है जो तुम पहले पढ़ते हो, एफ 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 डिवाइड बाय टू,
एफ रूट टू नहीं, एफ डिवाइड बाई यही तीन चीजें हैं और तो कोई नहीं है। नहीं चलो तो अभी एक एफ 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 रूट टू एफ बाई टू नॉट एफ रूट टू एफ बाई टू सो नेट कितना आएगा इन दोनों के लिए। पहले नेट निकाल, बात सुनो, इन दोनों के लिए नेट निकाल लो, उसमें से प्लस कर। इन दोनों के लिए नेट किसमें आएगा, इधर ही तो आएगा। इन दोनों के लिए नेट इधर ही तो आएगा। इन दोनों का नेट पोजीशन बीच में से काट के जाएगा, इधर ही तो आएगा भाई। इस वाले के लिए तो नेट आएगा, फिर उसका प्लस इसमें कर लेना। चलो तो इन दोनों के लिए नेट निकालो। इन दोनों के लिए कितना होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिग्री का 90, कॉस 90 बराबर 0, तो उधर तो 0 रहेगा। इधर बचा भाई 2f स्क्वायर अंडर रूट में, तो हो गया ये f रूट। एक तरफ f रूट 2 बचा है, एक तरफ f बाय 2। ठीक है, ओके। टोटल f कितना है, f रूट 2 प्लस f बाय 2। ये आया मेरे पास f रूट 2 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, सो आई कैन चेक इट, मैं इसे चेक कर सकता हूं। या सही है बिल्कुल, रूट टू प्लस वन बाई टू एफ, न्यूटन लगा दो। ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके के कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अभी मैं एक और कंसेप्ट लूंगा। जी हाँ, एक और कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट, एक और पढ़ना पड़ेगा। ची 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 ची, एक और कंसेप्ट, फिर उसके बाद बताऊंगा सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट। ठीक है, ओके ओके जी, आइयो समझे कि नहीं, आइयो समझ में आया आया जी। चलो तो अभी देखो जी, चलो तो भाई अभी हम लेते हैं एक पेंटागन, जिंग 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 जिंग, एक बीच में मास, बीच में मास m, इधर 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 मास m। ये हमारे किताब श्री डीसी पांडे में से भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन चेक इट, आप उसे देख सकते हैं, और शायद आपके एनसीईआरटी में भी इसी तरीके का लेवल हो। तो एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो बताइए एफ नेट कितना होगा इस पूरे के लिए। परफेक्ट शेप है, परफेक्ट शेप है। ये सब तो मैंने तुम्हें डेरिवेशन करके दिखाया। एक और हो सकता है, यहां पर मैं हेक्सा लेता हूं। चलो हेक्सा छोड़ो, छोटा वाला शेप लेता हूं मैं अपना, स्क्वायर जिंदाबाद। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर का ये सेंटर है, ये वाला कुछ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ओके। ए ए ए ए एम 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 एम, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, इस फोर्स से ये फोर्स, इस फोर्स से ये फोर्स, कैंसिल। नेट कितना आया, जीरो। परफेक्ट शेप में नेट फोर्स जीरो, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो आता है। वो परफेक्ट शेप ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल में हर एक तरीके का ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल भाई, इक्विलेटरल। और स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और मे बी हेक्सा हो सकता है, और मे बी डेका हो सकता है, और भी कई सारी चीजें हो सकती है। ऑक्टा हो सकता है, पेंटा हो सकता है, है ना। सो परफेक्ट शेप्स के बारे में तो आप जानते हो, उनके लिए नेट फोर्स जीरो होगा। ओके, ठीक है ना। अभी चलो मैं इस वाले को नहीं मिटाता, एक और तरीके का क्वेश्चन जो अराइज होता है उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। ओके, एक और तरीके का जो क्वेश्चन अराइज होता है उसके लिए मैं बात करता हूं। एक मास इधर, एक मास इधर, एक मास इधर, एक मास इधर, जिंग जिंग जिंग
जिंक, मास एम 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 एम, ये तो मतलब चारों के लिए तो भाई कटेगा नहीं, तो ये वाला मास, ये वाला मास मैं उड़ा दिया, ये वाला मास मैं उड़ा दिया, तो एक बचा इस तरफ, एक बचा इस तरफ, एक बचा इस तरफ, तो इस वाले से इस वाले का आंसर अकेला बचा ये, तो एफ नेट कितना देगा, एफ नेट देगा एफ जो कितना है जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो गया। चलो चलो भाई आगे देखो, आगे देखोगे, आगे देखोगे, तो एक और मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, या फिर मैं कह लेता हूं चलो पॉइंट साइज के बीच में, पॉइंट साइज मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हम पता कर सकते हैं, है ना, और हियर इज अ स्फीयर, स्फीयर के बीचेस में, स्फीयर के सेंटर ऑफ मासेस से लेके सेंटर ऑफ मास से लेके दूसरे स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पता कर सकते हैं, बट इस कंडीशन में हम इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स पता नहीं कर सकते, क्योंकि इस रॉड का एक फिक्स्ड सेंटर ऑफ मास हमारी नजर में नहीं, हम ऐसा कह सकते। सो इस केस के लिए आपको इधर जाना, तो इस केस के लिए जो फॉर्मूला है डेराइव्ड फॉर्मूला है, थोड़ा सा हाई लेवल का इंटीग्रेशन है, उधर आप याद रखें तो अच्छा है, जी एम अगर ये एम मास का है, एल लेंथ का है, और इतनी डिस्टेंस ए है, ठीक है, और ये भी एम, तो जी एम एम डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट एल प्लस ए, ये है आपका फॉर्मूला, नोट कर लेंगे कहीं भी अगर आप नोट कर रहे हैं, या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका बढ़िया सा, ठीक है ना, तो ये तो सब ठीक है, बकवास हो चुकी है, मतलब कि सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, अभी और थोड़े से टाइप्स बचे हैं, सोने और देख लेते हैं, हाँ तो अभी आप देखिए एक और तरीके का न्यूमेरिक आपको दिखाता हूं मैं, एक और तरीके का ध्यान रखना, एक और तरीके का न्यूमेरिकल लें, यहां पर है मेरे पास चार मासेस, जो पहला मास एम, दूसरा 2m, तीसरा 3m, चौथा 4m, यानी 4m, बीच का मास m का है, ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक, समझ गए, केस ठीक लग रहा है ना, 2m और m, m और m के लिए आप f कह सकते हो, g m स्क्वायर को इधर a स्क्वायर डाला ये f हो जाएगा, इस तरफ निकालो जी एम डॉट टू एम डिवाइड बाय ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2f, सही है ना, तो इस तरफ आ जाएगा 2f, इस तरफ आ जाएगा 3f, इस तरफ आ जाएगा 4f, 2f से इधर बचेगा भाई 2f, सही है, इस तरफ बचेगा 2f, इधर f से इस तरफ बचेगा भाई 2f, ठीक है ना, तो इसके और इसके बीच का 90 डिग्री रहेगा, फाइंड कर लोगे अब तो कुछ नहीं है इसमें, मजाक है बस, जी हाँ मजाक चल रहा है, अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं, नेट फाइंड करना, तो नेट कैसे फाइंड करूं, एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट टू एफ स्क्वायर, तो 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4, 4f स्क्वायर प्लस में 4f, और भी प्लस में कुछ रहेगा, यहाँ प्लस में 4f स्क्वायर इंटू cos 90 जीरो, सो वो कट जाएगा, इधर बचा भाई 8f स्क्वायर अंडर रूट 8f स्क्वायर,
यहां पर आया टू अंडर रूट टू एफ स्क्वेयर, एफ स्क्वेयर क्या रहेगा, एफ रहेगा खाली, रूट के बाहर आ जाएगा। सो आई थिंक ये सब आपको क्लियर है। सो बस इतना ही था ग्रेविटेशन के वीडियो में। आई थिंक ये 40 to 50 मिनट्स का है, या 40 to 50 मिनट्स का ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भाई लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू एंड बाय बाय।